नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लॉकडाउन के कारण पश्चिम रेलवे के विभिन्न कार्य जो कि बंद हो चुके थे, उसमें से कुछ कार्य उज्जैन क्षेत्र के आसपास के लॉकडाउन में ढील के बाद शुरू हो चुके थे। एक चौथाई लेबर के साथ में ये कार्य वर्तमान में चल रहे हैं तथा जो कि पूर्णता की ओर अग्रसर है। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उज्जैन फतेहाबाद गेज कन्वर्जन के लिए करीब 650 मजदूर लगे थे, उसमें से करीब 180 कर्मचारी मजदूर ही वर्तमान में काम कर रहे हैं तथा 3 महीने से लगभग आर्थिक गतिविधियां पूरी बंद पड़ी है तथा रेलवे पर भी इसका खासा असर पड़ा है। इसलिए रेलवे ने रेल परियोजना को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है तथा अंतिम चरण में आ चुके कार्य को पूरा करना सबसे प्राथमिकता में रखा गया है। इस हफ्ते पश्चिम रेलवे मुख्यालय मुंबई से चीफ इंजीनियर साहब ने उक्त कार्यों का दौरा किया तथा बचे हुए कार्यों की समीक्षा, प्रगति हेतु आवश्यक सुझाव अधिकारियों को दिए। करीब 1100 करोड़ के ये सब कार्य अब गति से किए जाएंगे तथा इनको बरसात तेज गति से शुरू होने के पूर्व ही पूरा करने का रेलवे लक्ष्य बना रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये कार्य हैं, उज्जैन फतेहाबाद गेज कन्वर्जन 650 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर लंबाई का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्जन किया जा रहा है तथा उज्जैन इंदौर दोहरीकरण की दिशा में उज्जैन से कड़छा तक का दोहरीकरण ऑलमोस्ट हो चुका है, उसका भी थोड़ा सा कार्य कुछ बाकी है। वहीं गंभीर नदी के पुल का कार्य कुछ स्थिति तक बचा हुआ है, वह भी शीघ्रता से पूरा करवाने हेतु चीफ इंजीनियर साहब द्वारा निर्देशित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन पर सुरक्षा संबंधी जांच तथा निरीक्षण करवा कर इन्हें उपयोग में लाया जा सके। उक्त तीनों कार्यों के लिए CRS चीफ रेलवे सेफ्टी का दौरा कार्य पूर्ण होने के बाद कभी भी किया जा सकता है तथा उक्त दौरे के बाद में हरी झंडी मिल जाएगी तथा आम जन के उपयोग हेतु ये तीनों कार्य के प्रोजेक्ट उपयोग में आ सकेंगे। हालांकि अभी वर्तमान में ट्रेनें इस रेलखंड पर बहुत कम मात्रा में चल रही है, इसलिए लॉकडाउन पूरी तरह से हटने के बाद ही इनका उपयोग हो पाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे कितनी तेजी से यह कार्य पूरा करता है तथा इन पर सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कब होता है। यह संक्षिप्त जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।